हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेनेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का रिजल्ट आने वाला है 31 मार्च को, ओके। तो बीपीएससी का जो अपना कैलेंडर था उसमें जो लगभग ये तीसरा कैलेंडर जारी किया उसमें 31 मार्च को इन्होंने डेट रखा है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि 31 मार्च को डेट होगा मतलब रिजल्ट पब्लिश ही करेगी, उसको भी ये पोस्टपोन कर सकती है। इसको यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये एक लोअर डिवीज़न क्लर्क बीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का एलडीसी का, और इसका ये 2021 का ही वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, प्री भी हो चुका है, मेंस भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और टाइपिंग टेस्ट जो नया कैलेंडर जारी किया था बीपीएससी उसके अनुसार 20 मार्च को होने वाला था। इसका टाइपिंग टेस्ट 20 मार्च को होने वाला था, लेकिन जो नया कैलेंडर जारी किया था उसमें अब इसके डेट को देखिए किसी अपरिहार्य कारण से 11 अप्रैल को इन्होंने मतलब पोस्टपोन कर दिया है, डेट को पोस्टपोन कर दिया है, मतलब कैलेंडर को ये फॉलो नहीं करती है, मतलब इसके कथनी और कहनी कहने में मतलब कथनी और करनी में लाग जमीन आसमान का अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि बार बार ये नया कैलेंडर जारी करती है, जब कैलेंडर फॉलो ही नहीं करती तो कैलेंडर क्यों जारी करती है बीपीएससी। 11 अप्रैल को मतलब घोषित कर दिया गया है। इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि जो है बीपीएससी का अपना सेनेटरी वाला रिजल्ट जो है उसका बहुत ही कम ही चांस है दोस्तों कि 31 मार्च को आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं किया गया है, और फाइनल आंसर की जारी तब होगा जब एक नोटिस निकाल के वो उन सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने चैलेंज किया है सेकंड प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज किया है, उनको बुलाएंगे 1-to-1 वहाँ पर जो एक्सपर्ट के सामने, वहाँ पर आपका डिस्कशन होगा, तब फाइनल आंसर की बनाया जाएगा, फिर उसको फाइनल आंसर की वो जारी करेंगे, तब कहीं जाके OMR चेक होगा और फिर रिजल्ट आने की संभावना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये 15 दिन में होना बहुत ही कम चांस है कि 15 दिन में होगा। और यदि बीपीएससी को दोस्तों इस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाए, अगर स्टूडेंट्स संगठित नहीं होंगे, चाहे ये एलडीसी का हो या सेनेटरी वाला हो या कोई दूसरा भी रिजल्ट हो, तो बीपीएससी अपने ही अनुसार जो है इसका जब मन होगा तब वो रिजल्ट जारी करेगी। हमने पहले भी इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, पहले भी हम कहते हैं कि चलिए कुछ स्टूडेंट्स चलते हैं वहाँ पर और चेयरमैन साहब से मिलते हैं, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी, अभी तक किसी ने भी हामी नहीं भरी कि वहाँ पर चलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। ये हमारे अकेले का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जब तक संगठित होकर वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक बीपीएससी इस पर कुछ करने वाली नहीं है, और ये डेट पर डेट ऐसे ही आगे मतलब डेट बढ़ाती जाएगी और टालती जाएगी। बीपीएससी लगातार मतलब इसका कैलेंडर जारी करने का कोई मतलब औचित्य बन ही नहीं पा रहा है, कैलेंडर पे कोई लोग कितना भरोसा करेगा आप बताइए। यही नया कैलेंडर जारी किया था जिसमें 20 मार्च को इन्होंने टाइपिंग टेस्ट का डेट दिया था, और इस टाइपिंग टेस्ट को इन्होंने अब 11 अप्रैल को कर दिया गया, लगभग एक महीना इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी प्रकार से इस रिजल्ट में भी संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लंबा प्रोसेस है, अभी इसमें कई सारा जो प्रोसेस है, फाइनल आंसर की 1-to-1 इंटरेक्शन होगा एक्सपर्ट के सामने, फिर OMR चेक होगा, तब जाके कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आएगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें लंबा समय लगेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए आप लोग मन बनाइए, अगर चलना चाहते हैं बीपीएससी ऑफिस चलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कौन चलना चाहता है, तो एक डेट सब आदमी मिलकर एक डेट को मतलब कन्फर्म करेंगे, उस डेट को सब आदमी जाके वहाँ पर बीपीएससी ऑफिस चलेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे कि क्या रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, क्या मतलब आने की संभावना है, और फाइनल आंसर की भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे पहले दोस्तों एक दो बार हम गए भी थे, लेकिन वो मतलब चेयरमैन साहब हमेशा मीटिंग में ही रहते हैं, अकेले किसी को मिलने देते नहीं हैं, ओके, और इंक्वायरी वाले तो हमेशा उनको लगता है कि तोते की तरह रटा दिया गया है कि आप उसको बोल दो कि वेबसाइट अपना देखते रहेगा, जब आना होगा आ जाएगा, ओके। तो ये सारी बातें हैं, देखिए अगर आप लोग इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, कोई आदमी अगर पटना में है या आसपास में कहीं भी है, तो आप सभी को आना चाहिए, जब तक संगठित होकर एलडीसी वाले भी हो या बीपीएससी के कोई दूसरा भी एग्ज़ाम हो, वो भी स्टूडेंट्स आके हम लोग साथ अगर चलें, संगठित होकर चलें, अपनी आवाज़ को उठाएं वहाँ पर, तो ज़रूर है कि कुछ बात बन सकती है, उनका नज़र इस पर जाएगा। इससे पहले कई सारा जो चेयरमैन साहब है ट्वीट करते रहते हैं, उस पर बार बार रीट्वीट करने के बाद भी अपना मतलब सेनेटरी के बारे में उनसे पूछने के बाद भी, लेकिन वो किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो वही उपाय है कि वहाँ पर जाकर ही उनसे पूछना पड़ेगा, एक प्रकार से प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, तब उनके मतलब उनका ध्यान इस पर आएगा। वो लगातार मतलब 68 बीपीएससी पर ही लगे हुए हैं, उसी पर कुछ न कुछ मतलब नया नोटिफिकेशन, नया जो भी उनको रणनीति वगैरह बनाना पड़ता है, कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है, सब उसी के बारे में वो करते रहते हैं। तो यही सब बात है, अगर कोई स्टूडेंट्स कोई क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब इसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, जिनका भी अच्छा स्कोर है, और हम पहले ही बताए थे कि स्कोर यहाँ पर मायने नहीं रखता है, अब पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ है तो कितना कटअप जाएगा, एक्यूरेट कटअप तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिनका भी मतलब अच्छा खासा स्कोर है तो वो ज़रूर इसमें कि इंटरेस्टेड हो और उनको चलना चाहिए। तो कोई डेट बताइए आप लोग जिस दिन आप सभी फ्री हैं,
उस फाइनल डेट को कंफर्म करेंगे और अगली बार बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। खैर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की बातें पता चले और हम सब इस पर मतलब लगातार निगरानी बनाए हुए रखे हुए हैं। दोस्तों हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनका जो भी ट्वीट आता है उनको उन पर क्वेश्चन पूछते हैं कि कब रिजल्ट वगैरह आएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो आप सब भी थोड़ा जागरूक हो, अवेयरनेस हो अपना जगाइए और चलिए एक दिन बीपीएससी ऑफिस जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।